गुड इवनिंग विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है क्लास चल चुकी है। आई होप बहुत अच्छे होंगे, सभी को बहुत बहुत प्यार और संध्या का बहुत बहुत आभार जी। ओके, क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? ओके, चलिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा, पढ़ाई शुरुआत किया जाए। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इससे पहले क्या पढ़े, आज क्या पढ़ने वाले हैं? एक न्यू क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो हम इससे पहले हम लोग पढ़े थे अलैंगिक जनन। ओके बेटा, अलैंगिक जनन पढ़े थे, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मैंने वहां पे तीन बात बताई थी, याद है ना, तीन बात बताई थी, सिर्फ तीन बात। मैंने कहा था एकल जीव जनन में, एकल जीव जनन एक कोश की प्राणियों में जनन कैसे होता है, मैंने कहा कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन, रीजनरेशन, बडिंग, है ना, सबको याद है क्यों बेटा, ये सारी बात बताए थे हम, क्यों याद है ना। दूसरा मैंने बताया जड़ तना पत्तियों से भी जनन होता है, किससे, जड़ तना पत्ती। ओके, बात समझ है ना, जड़ तना पत्तियों से होता है, ये भी बता चुके। मैंने आर्टिफिशियल भी बताया कि आर्टिफिशियल हम लोग जैसे लेयरिंग लगाना, कलम लगाना, ये भी आपको बता दें। आज हम लोग चलेंगे छोटे जीवों में, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी के पेपर हम लोग जाएंगे देखेंगे, तो उसमें लिखा है कि भैया लैंगिक जनन का होता है लैंगिक जनन। तो हमने आपको बताया कि लैंगिक जनन जिसमें गैमेट पार्टिसिपेट करता है, तो देखिए एकदम बारीकियों से समझिए, बारीकियों से मतलब बेटा कैसे छोटे जीवों से, छोटे निम्न लेवल के, समझ ना, लो लेवल के पौधे से हम लोग लैंगिक जनन यहाँ पर समझने वाले हैं। एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा, एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट बताऊंगा, और जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बेटा उसको भी मैं बताऊंगा। इसलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर दो, क्यू जी स्टार्ट कर दो, कर ही देता हूं, ठीक है, चलिए। ओके, यहां पर देखो बेटा कह रहा है लैंगिक जनन, तो पहले आपके मन में एक जरूर बात आनी चाहिए, लैंगिक जनन होता क्या, ठीक है। लैंगिक जनन में कहता है कि दो गैमेट, बात समझिएगा, एनसीईआरटी लिखते हैं कि दो गैमेट, गैमेट जो होता है वो भाग लेते हैं, सुनिएगा, गैमेट जो है वो भाग लेते हैं, और ये गैमेट दो तरीके के होते हैं। एक जो गैमेट होता है, सदैव देखना, गैमेट जो होता है वो एन नंबर के होते हैं बेटा, एन नंबर के होते हैं, ध्यान देना। और ये गैमेट जो होता है, एक जो है मेल गैमेट हो सकता है, एक फीमेल गैमेट होता है, ठीक है ना, मेल और फीमेल गैमेट होते हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि पौधा हैप्लॉयड है, चाहे तो डिप्लॉयड हो, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यदि पौधा हैप्लॉयड है और चाहे डिप्लॉयड, ठीक है, बस पौधा में रख जाए कि पौधे में जनन गैमेट जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या पौधों में निम्न लेवल को होता है, तो यह होता है। अब कहता है पौधे का जो शारीरिक संरचना होता है वो बहुत सारे हैप्लॉयड होते हैं, कौन कौन सा पौधा हैप्लॉयड होता है पता है, क्यों जी पता है ना, हैप्लॉयड कौन कौन सा होता है बताइए, हैप्लॉयड कौन कौन सा होता है, तो यहां पे बताएगा कि हैप्लॉयड वाले में बेटो मोनेरा, फंजाई, ठीक है ना, एल्गी, और दूसरा ब्रायोफाइट। मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने कहा मोनेरा, सुन लेना, मोनेरा, ठीक है, फंगस और एल्गी, तीसरा ब्रायोफाइट, क्या शरीर एन टाइप होता है, अर्थात हैप्लॉयड नंबर होता है, शेष बचा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरी तरफ निहारो, देखो जब ध्यान से सुनोगे तभी बात समझ में आएगी, मैंने यहां पे लिखा बात समझने वाली है,
साइंस में जितना अंदर घुसते जाओगे उतना घुसते चले जाओगे। तो इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, कुछ दूरियों तक रोक रहा हूं, नहीं तो आप बस सोच विचार करते रह जाओगे। देखो बेटा, अगर सोच विचार करोगे तो बहुत अंदर भी जा सकते हो, सोच विचार ना करो तो बहुत ऊपर भी जा सकते हो, कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। मैंने लैंगिक जनन की बात की, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि लैंगिक जनन जिसमें गैमिट भाग लेता है, जिसको इंग्लिश में गैमिट और हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी हिंदी में विद्यार्थी आ जाएंगे कहीं सर हिंदी और लिख दे कराओ, चला हिंदी लिख दिया भैया, युग्मक बोल रहे थे, क्या बोला थे, युग्मक बोला थे का, ठीक है हिंदी में युग्मक बोल दिया। अब कहता है जो युग्मक बन रहा है बेटा ना, चाहे शरीर 2n नंबर हो चाहे n नंबर हो, अर्थात चाहे हैप्लॉयड हो चाहे डिप्लॉयड हो, लेकिन गैमिट हमेशा हैप्लॉयड ही बनता है। आप कह दो सर पगलाए गए हो, का तुम बोलोगे कि सर 2n नंबर से तो चलो ठीक है, तुम सोचोगे कि सर 2n नंबर से, 2n नंबर से तो चलो अर्धसूत्री हो करके हैप्लॉयड बन गया, लेकिन सर अगर मेरी बॉडी किसी के शरीर की बॉडी या कोई बॉडी n ही नंबर का है तो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा बेटा समसूत्री करेगा। कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री करेगा, और समसूत्री विभाजन होकर के वो गैमिट बनाएगा। तो यहां पे बात ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे 3 पॉइंट आपको याद रखना है। मैंने कहा कि हैप्लॉयड हो चाहे डिप्लॉयड हो, हैप्लॉयड हो चाहे डिप्लॉयड हो, हमेशा गैमिट बनेगा, किसमें, लैंगिक जनन में, किसमें, लैंगिक जनन में, और जो गैमिट होगा वो हमेशा हैप्लॉयड ही होगा, बात समझ लेना। अब देखो बेटा, इसमें मैंने कहा कि तीन चीज जैसे ऐसे दो दो भाग में डिवाइड कर दो। मैंने कहा मोनेरा, ठीक है, मोनेरा फैंगस एल्गी ब्रायोफाइट का शरीर हैप्लॉयड होता है, ओके बेटा, और डिप्लॉयड कौन होता है, टेडियोफाइटा एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, ये जो तीन होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, ओके। चल अब देखो ये दोनों कौन कौन बेटा, ये दोनों वही वही भैया, ये दोनों वही कौन वाले, वही वाले, ओ रुको रुको, ए वन सेकेंड, वन सेकेंड बेटा, वन सेकेंड, ठीक है सुनो, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इनका मिलन हो जाएगा, दोनों गैमिट का मिलन हो जाएगा। जब दोनों गैमिट का बेटा मिलन हो जाएगा तो एक गैमिट का, सुनना ध्यान से कान खोल करके, एक गैमिट का जो एन एन है ये एक न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा। अब जिसमें जाएगा सुन लेना, जिसमें उल्टा बना दिया, तो रुको 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 रुको, जैसे इसमें बनाओ उसी तरह बनाओ तो ज्यादा बना। यहां पर देखना, अगर इसका इसका न्यूक्लियस इसमें आ गया तो जिसका न्यूक्लियस जाएगा वो हमेशा नर युग्मक होगा, जिसके अंदर जाएगा वो हमेशा मादा युग्मक होगा। दोनों मिल गए, जब मिलन होता है तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं। अब चाहे छोटा पौधा हो चाहे मोटा हो चाहे बड़ा हो, इसको हिंदी में बोलते हैं भैया निषेचन, समझ लिया, निषेचन बोलते हैं। और निषेचन होकर के अब ये एन एन था, एन एन था, ये हो जाएगा एक सेल बनेगा 2n नंबर, समझ रहे ना, और इसी से नया एक संतत बनेगी या एक नया पौधा बनेगा प्यारा सा मुन्ना सा, ठीक है। जब एक नया प्यारा सा मुन्ना सा पौधा बन जाएगा या जीव बन जाएगा तो इसे हम लोग कहेंगे लैंगिक जनन, क्या कहेंगे बेटा, लैंगिक जनन, ओके, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला पॉइंट चलते हैं, ये तो लैंगिक जनन, अभी इसकी बहुत सारी कहानियां भी बाकी है, इसकी बहुत सारी कहानियां बाकी है। जैसे देखिए अब एक एक पॉइंट, जैसे कहता है किशोरावस्था, ओ भैया कहता है कि जब कोई जनन करने वाला होता है, मतलब अपनी तरह की संतान बनाना चाहता है जंतु, कौन, एनिमल्स, तो उसमें एक अवस्था आती है किशोरा अवस्था। अगर किशोरा अवस्था नहीं आएगा बिटवा बिटिया तो कभी भी जनन योग्य नहीं होगा, बात एनसीईआरटी लिखते हैं कि किशोरा अवस्था आता है, देन उसके बाद किशोरा अवस्था के बाद ही लैंगिक जनन हो सकता है।
अर्थात तब ही उसमें युग्मक बन सकते हैं, किसमें, वो जंतुओं में, ठीक है। दूसरी बात, पौधे के लिए लिखा कायिक प्रवस्था, अब पौधे के लिए दूसरा शब्द लिखता है कायिक प्रवस्था, कहता है छोटा सा अभी आम का पौधा लगा दो तुरंत उसमें फल नहीं लग जाते हैं कि बस आम लगाओ इतना बड़ा हो गया ले फल खाओ बढ़िया मीठे मीठे संतरा खाओ मौसम्बी खाओ आम खाओ केला खाओ, नहीं, इस सब चक्कर में ना। कहता है क्या होता है कि उसका एक अवस्था आती किशोरावस्था, अब पौधे में आता है कायिक प्रवस्था, तो कायिक प्रवस्था के बाद ही, कायिक प्रवस्था के बाद ही क्या होगा, जनन होगा अर्थात गैमिट बनेगा, समझ रहे, युग्मक बनेगा, ठीक है। अब देखो जब यहां पे ये बात आई, यहां पे बात आई तो एनसीईआरटी फिर आपको बताना चाहती है कि भैया जानते हो क्या कैसे, तो कहता है कि संसार में ऐसे ऐसे पौधे हैं जिनमें कायिक प्रवस्था जैसे आती है तो उसमें फूल लगते हैं, क्या लगते हैं, फूल, ठीक है ना। चलो तो कहता है फूल लगते हैं ये कायिक प्रवस्था के बाद होती है, और फिर कहता है अलग अलग पौधों में विचार करना, एनसीईआरटी कह रहे तनिक विचार करो, ठीक है ना, ठीक है। कहता है तनिक माइक, ओके बेटा, ओके ओके ओके, क्या बात, सोनी तुम सही बोली बेटा, ओके कम से कम याद तो दिला दिया कि माइक तो लगा लो सर होता रहता है, क्या करोगी, आवाज जा रही थी ना, क्यों बेटा आवाज जा रही थी, अच्छा अब बच्चे लिख रहा वॉइस नहीं, अब आ रही है, क्यों, आई एम न्यू स्टूडेंट, बताओ बेटा आवाज आ रही है, ओके आ गई आ गई आ गई आ गई, चलो आ गई भैया, पहले कहीं नहीं बता दिए, क्यों बेटा, चलो सुनो इधर, तो कह रहा है कि पौधों में भी क्या होता है, कायिक प्रवस्था आती है, कायिक प्रवस्था के बाद ही पौधों में पुष्पासन होता है, पुष्पासन यानी पुष्प खिलने लगते हैं। अब बेटा देखो जैसे ही पुष्पासन होता है, जैसे ही पुष्पासन चालू होता है तो बताया गया कि अनेक प्रकार के पौधे हैं भाई, तो कहता कैसे, कहता है संसार में इतने प्रकार के पौधे हैं, किसी किसी में एक एक महीना में पुष्प लगते हैं, किसी किसी में जानते 6 महीना में लगते हैं, किसी किसी एक मौसम में लगते हैं, जब जाड़ा आई तब ही उसमें पुष्प लगी, जब गर्मी आई तभी उसमें पुष्प लगी, यानी मौसमी होते हैं, का होते हैं, मौसमी होते हैं, समझ ना। अरे भैया फिर एनसीईआरटी लिखती है कि ए बिटवा ए बिटिया जानते हो बांस ऐसा होता है, बांस, बांस जो होती है घास होती है जिसमें कितने साल में पुष्प लगते हैं, आपको बता रहा है कि 50 से 100 वर्षों में बांस में पुष्पासन होता है, समझ रहे ना, पुष्पासन कैसे होता है, 50 से 100 वर्षों में बांस देखे हो ना सभी, बंबू, क्यों बंबू देखो ना, बंबू, तो बंबू में जो है, बंबू में भैया क्या होता है कि 50 से 100 वर्षों में क्या लगता है, पुष्प लगता है। तो कहने का मतलब का कह रहा कि ऐसे ऐसे भी पौधे हैं, ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनमें पुष्पासन काफी लंबे समय तक लगता है, ठीक है ना। इसी तरह बताया गया एनसीईआरटी लिखती है स्ट्रोबिलैंथस, स्ट्रोबिलैंथस बेटा नाम सुनो, ओ बेटा स्ट्रोबिलैंथस में 12 वर्षों में एक बार पुष्पासन लगता है, लेकिन इतनी तरीके से लगता है, इतना ज्यादा लगता है कि केरल और कर्नाटक की गलियों में एकदम चादर सा बिछ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि, ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरा का पूरा मखमल के कंबल बिछाए गए हों, तो सोचिए। तो कहता है ये आपको एनसीईआरटी सिखाना चाहती है कि जो छोटे मोटे आसपास अपने पेड़ पौधे देखते हो ना उसमें ना चलो और भी दुनिया देखो, दुनिया में कैसे कैसे पेड़ पौधे हैं उसकी भी बात उसने कहा कि कब कब पुष्पासन होता है, ठीक है बेटा, चलो जी।
आगे चलते हैं। ओके, तो कह रहा है किशोरावस्था किसमें होता है बेटा, किशोरावस्था जंतुओं में होता है। किशोरावस्था के बाद भी उसमें गैमेट बनेगा, इसी प्रकार पौधों में कायिक प्रवस्था के आने के बाद ही पुष्पासन होगा। आगे चल जाओ, चल जाओ। मध्य चक्र, ये जंतुओं की बात है, कहता है कि नॉन प्राइमेट्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स जंतुओं में मध्य चक्र होता है। क्या होता है मध्य चक्र? मध्य चक्र का मतलब ये मौसमी होता है, मतलब कि एक समय के बाद आता है। जैसे हम कहें गाय भेड़ हिरण, गाय भैंस भेड़ हिरण चीता, एनसीईआरटी लिखती है गाय भैंस भेड़ हिरण चीता में मध्य चक्र होता है। क्या होता है बेटा? मध्य चक्र होता है, ओएस्ट्रल साइकिल, ओएस्ट्रल साइकिल मध्य चक्र होता है। एक मौसम में उसमें क्या होता है, एक मौसम में जनन योग्य होती है। वो क्या होती है? एक मौसम में जनन योग्य होती है। जबकि कह रहा है कि प्राइमेट्स में, जैसे मनुष्य और बंदर, सुन लेना, मनुष्य और बंदर चिंपैंजी में, यहां पे ध्यान दो, मनुष्य और बंदर के स्त्रियों में, ठीक है ना, स्त्रियों में ऋतुस्राव होता है, मतलब ये एमसी होता है, नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यहाँ पे ओएस्ट्रल साइकिल होता है। दो साइकिल होती है, कौन साइकिल, ठीक है ना। यहां पे बता रहा है कि भैया यहां पे मध्य चक्र ओएस्ट्रल साइकिल होता है, जो एक मौसम में होता है या एक ऋतु में होता है, जबकि ये बताया गया कि ये मंथली होता है, प्रति महीने होता है, और ये स्त्रियों में कौन से, मनुष्य के, मनुष्य और बंदर, बंदर देखो ना भैया, मनुष्य और बंदरों में क्या होता है, ऋतुस्राव होता है, ऋतुस्राव होता है। हाँ बेटा, विकास राज पूछा मध्य चक्र क्या है सर। देखो बेटा, अगर भैंस जानवर उनवर आस पास हो तो उसमें देखिए कि वो जनन अपने शिशु को बनाने के, मतलब निर्माण करने के लिए वो एक ऋतु में, एक ऋतु में क्या होता है, वो संभोग उसके साथ होता है, मतलब 6 महीना, किसी में 3 महीना, किसी में 1 साल, किसी में 3 साल, जैसे हाथी होती है 3 साल वाली है। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं मध्य चक्र, मतलब एक ऋतु में आता है, कोई 6 महीना, कोई साल भर, का 2 साल, ठीक है ना, बात समझो। अब कहता है ये किसमें होता है, नॉन प्राइमेट्स में होता है। अब प्राइमेट्स वाले प्राणियों में जैसे मनुष्य और बंदर, इसमें एमसी चलती है, ठीक है, इसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसे बोलते हैं ओएस्ट्रल साइकिल, दो साइकिल होती है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, ये जानते हो, ये चैप्टर जो पहला नंबर ना आपको सिखाना चाहता है कि भैया तुम लोग पहले सीखो। एक बच्चा सोनाली पूछे चिंपैंजी क्या है सर, चिंपैंजी नहीं जानती हो, चलो बंदरों की प्रजाति में होता है चिंपैंजी, गोरिल्ला, ऊंटान, ये सब मनुष्य के पूर्वज माने जाते हैं। कहां थी बिटिया तुम, कौन से गोला में थी, ये सब मनुष्य के पूर्वज माने जाते हैं। मानव का विकास कैसे हुए, मैं इसमें चैप्टर आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, मानव का विकास कैसे हुआ। कुछ कहते मछली रहा है मानव, कुछ कहे बंदर रहा है, बंदर मामा रहे हमारे, ठीक है ना, बिल्ली मौसी रही, तो ऐसे बहुत सारी कहानियां सुने होंगे। तो इसमें क्या सत्य, क्या असत्य, मनुष्य का विकास कहां से हुआ है, वो सारी बात हम लोग करेंगे। कहते कभी कभी मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण अगर पढ़े लिखे हो तो जाना, मत्स्य पुराण में लिखा है कि मनुष्य का जन्म जो है मछलियों से हुआ। अब उसमें साइंटिस्ट प्रूफ भी किया है, कुछ बतिया प्रूफ भी किया है, वो भूरी भूरी प्रमाण से प्रूफ किया है, आगे चलेंगे तो बताएंगे। हाँ सुनाली, ठीक है बेटा, आप जान गए हो ना जी, चलो बात समझिएगा। ये पहला चैप्टर ना बहुत बिंदास है, अगर एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को देखोगे ना, तुमको इतना गहराइयों में, मतलब साइंस की गहराइयों में, गहराई में इतना झोंक देगा कि आप वहां से सोचते सोचते दुनिया में भ्रमण करने लगेंगे। यही होता है पढ़ाई में दम,
समझ रहे ना कि आप सोच विचार करिए। चलिए यहां आप देखिए दो चीज आई, अब हम लोग आगे बढ़े बेटा, लैंगिक जनन की घटना। अब कहता है लैंगिक जनन होता कैसे रे भैया, तो कहता है लैंगिक जनन अचानक से कूद नहीं पड़ता है, समझ रहे ना, कह रहा लैंगिक जनन अचानक से बेटा कूद नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कह रहा लैंगिक जनन अचानक से नहीं आता है। तो कहता है कैसे, अभी मैंने कहा जैसे किशोरावस्था आता, छोटा सा लड़का आज पैदा हुआ, उसकी शादी कर दो, लड़की लड़की क्या उसके बच्चे हो जाएंगे, नए हो जाएंगे, छोटा सा पेड़ पौधा लगा दो क्या उसमें फल बन जाएंगे, नए ना बन जाएंगे, कभी नहीं बनेंगे, यानी कायिक प्रवस्था आना चाहिए, किशोरावस्था आना चाहिए, तब लैंगिक जनन। कह रहा है लैंगिक जनन से पहले कुछ शरीर में घटनाएं घटित होती है, अगर ये घटना नहीं घटित होती है, सोनी सिंहपुरे सर बंदर में महीने में एमसी आता है या मद चक्र, अरे भैया बंदर में, बंदर में नहीं बल्कि बंदरिया में, फीमेल में एमसी ही होता है जैसे मनुष्य की स्त्रियों में होता है। ओके बेटा, ओके चलो ठीक है, सुनो आगे बढ़ो बेटा। कह रहा लैंगिक जनन की घटना, अब लैंगिक जनन की घटना कह रहा अचानक नहीं घटित होती है, निषेचन से पूर्व घटना। अब बेटा देखो यहां पे एक बात लिख करके ठोक दिया एनसीईआरटी कि अब समझो तुम्हारा दिमाग हो तो, कहता कैसे, कह रहा है बार बार देखो बेटा हर पॉइंट पर निषेचन 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 लिख डाला है ना, निषेचन से पूर्व, निषेचन निषेचन से पश्च, पहले कह रहा तीनों बात में निषेचन लिखा, अगर निषेचन जान गए हो ठीक है ना। अच्छा सोनाली कह रहे आपका नाम क्या है, क्या करोगे बेटा एफआईआर कराओगे क्या चलो हंसने के लिए बोल दिया, नहीं गुस्सा हो जाओ तुम इमोजिन उमोजिन भेजने लगो गुस्सा होकर के, चलो जी। तो देखिए निषेचन क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया था बेटा, पीछे जाकर के देखोगे तो मैंने कहा बेटा दो युग्मक जब जुड़ते हैं तभी उस कंडीशन को निषेचन कहते हैं, दो युग्मक जब जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे निषेचन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, चलो सुनो। तो यहां पे बताया गया, अरे मैं आपको समझा रहा हूं ठीक है, छपवाओ मत, छापन क्षमता मत करो बेटा, आप छपवाने पे पड़े जाते, सर लिखवाया करिए, ओ सर लिखवाए दे ठीक है, देखो एक बच्चे पूजा कुमारी एक ओएस्टर साइकिल फीमेल में नहीं होता क्या सर, फीका मेल में होगा का बिटिया, बिटिया ऐसे है? अब बताओ तुम लोगों को इतना छोटो छोटो बात बताओ, अच्छा आदित्य का सर और बताओ मैं और ना, अच्छा अच्छा ले लेना ठीक है, ठीक है बेटा। निषेचन क्या होता है सुनो, निषेचन की बात सब लिखा, लैंगिक जनन की घटना, निषेचन से पूर्व घटना। अब देखिए, अरे पढ़ो परिभाषा तो अपने से बना लेना बेटा, तुम लोग ना शिवम तिवारी, परिभाषा तो तुम्हारे दिमाग की उपज होती है यार, क्या बात करते हो, परिभाषा तो अपने आप लिख सकते हो, एक बात तेजी से शेयर कर दो मैं परिभाषा भी लिखा हूं, चलो चलो तुम तेजी से शेयर कर दो मैं बोल के परिभाषा भी लिखा लिखा दूं, और दूसरी बात आपको समझा दूं कि परिभाषा कैसे बनाई जाती है, ठोको एक बात तेजी से, हाँ पानी पिया जाए, कह रहे पानी, अच्छा चलो पानी पी लेते, आगे देखिए यहां पे। तो कह रहा निषेचन से पूर्व घटना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, निषेचन से पूर्व घटना क्या है ठीक है, और निषेचन क्या है और निषेचन के बाद क्या होता है, ये जो पहला चैप्टर है बेटा ये आपको सिखाना चाहता है, समझ लो, समझ ना, जैसे दाल सब्जी बनावते ना तो उस तरह मसाला दाल वोल रख करके तब किचन में घुसा जाता है, तो इसी तरह
ये पहला चैप्टर आपके जनन को सिखा रहा है कि किसको क्या बोलते हैं, आगे चल करके बहुत सारे वर्डों को डिफाइन नहीं करेगा, उसको खुद से समझना पड़ेगा। ये बात समझ लो हमार, ठीक है ना। सुना करा निषेचन से पूर्व घटना, निषेचन निषेचन के बाद घटना, निषेचन से पूर्व घटना क्या होती है बेटा, तो सीधी सी बात है कह रहा है कि युग्मक जनन होता है। क्या होता है? युग्मक अर्थात गैमिट बनेगा। अब बेटा गैमिट बनेगा तभी तो निषेचन होगा। गैमिट बना, अब गैमिट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं और गैमिट कैसे बनता है, यहां पे हम लोग विचार करेंगे। आ जाओ। अच्छा एक बच्चा पूछा सर लड़की और लड़का में क्या अंतर होता है, ठीक है, वो लड़का और लड़की में अंतर नहीं जानता, बताओ कौन ग्रह से आए हो भैया, मॉर्गन ग्रह से आए हो का। चलो ठीक आगे चलते हैं बेटा। कह रहा है युग्मक जनन, युग्मक जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ युग्मक जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सुना अब मैं परिभाषा भी बनाना सिखा दूंगा, सुनो। इसको बोलते हैं बेटा गैमिटोजेनेसिस। ओके गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमिट का बनना। सुनो कह रहा है गैमिटोजेनेसिस अर्थात गैमिट का बनना। अब ये गैमिट जो होता है दो जगह से बनता है, एक मेल में बनता है, सुनना, एक मेल भाग में बनता है, एक फीमेल में बनता है, ठीक है ना। तो कहते गैमिटोजेनेसिस क्या है, अगर परिभाषा है लिखने को तो कहो कि जब नर अथवा मादा में अर्धसूत्री विभाजन करके हैप्लॉयड नंबर सेल की कोशिका बनती है तब उस क्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहा जाता है, ऐसे लिखना है, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा बेटा और गैमिट का निर्माण होगा, ठीक है ना। और गैमिट हमेशा हैप्लॉयड रहेगा। मैं इससे पहले भी वही बात बोला कि शरीर चाहे डिप्लॉयड हो चाहे हैप्लॉयड हो उससे मतलब नहीं ना, लेकिन युग्मक सदैव हैप्लॉयड ही होगा, ठीक है। अगर हैप्लॉयड शरीर है तो समसूत्री विभाजन होगा, अगर डिप्लॉयड शरीर है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है ना। चलो यहां पे ध्यान दो। कह रहा मेल में, मेल में अगर कोई सेल 2n नंबर है बेटा, ध्यान से सुनना, 2n नंबर है, अगर 2n नंबर है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और दो सेल बनेगी, देखना ये हो जाएगा n नंबर और n नंबर, इसी सेल को हम लोग गैमिट बोलते हैं, ठीक है ना, और इस गैमिट को मेल गैमिट बोलते हैं, और इस जो बनने की प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां मनुष्य में स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। दूसरी बात, फीमेल में अगर 2n नंबर है सेल कोई, फिर वो आगे बटी दो सेल बनाई n n नंबर की, तो हम इसे गैमिट कहेंगे, इस गैमिट का नाम फीमेल गैमिट हो जाएगा, और स्त्रियों में इसे ऊजेनेसिस बोलते हैं, ऊजेनेसिस। ओके बेटा क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस। ओके तो देखिए मनुष्य में स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, स्त्रियों में ओवम का बनना ऊजेनेसिस होता है। नीरज कह रहा क्लास का टाइम क्या है, क्लास का टाइम बेटा मुझे लगता है 6 बजे होता ही है, समझ रहे ना, 6 बजे आया करो रोज। ओके फिजिक्स की क्लास कहाँ है, फिजिक्स की क्लास अपने जगह पे है, ठीक है ना, बस कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके बेटा जी बताओ, ये बात समझ में आई ना, आगे बढ़ूं मैं, चलो बेटा
आगे बढ़ लो, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। अब देखिए एक एक पॉइंट पे बात करना, पूरे एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। अगर जहां न समझ में आवे एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ और चुपचाप पूछत रहो, कमेंट लिखते रहो, ठीक है। अब यहां पे देखिए ध्यान देंगे तो कह रहा है युग्मक जनन होगा, युग्मक का निर्माण होगा, और जो युग्मक होता है बेटा ये दो तरीके, छोटे लेवल में यहीं पे आ जाओ, छोटे में अगर बात करें तो जो युग्मक बन रहा है दो तरीके का हो रहा है, ध्यान देना। जैसे शैवाल वैल होता है ना, शैवाल जानते हो, शैवाल कौन वाल, शैवाल निकाई, समझ है ना, कहां पे काई, कौन वाल पर होती है, शैवाल काई, उसमें जो गैमिट होता है कहता है उसमें चल वाला होता है, यानी मोबाइल होता है, यानी चल वाला होता है, मोटाइल का बोलते बेटा, मोटाइल, मोटाइल माने चलने वाला। तो कहता कैसे चलता है रे भैया, तो कहता इसमें फ्लैजेला होता है, का होता है फ्लैजेला, ध्यान से सुनना, फ्लैजेला को कसाभी बोलते हैं, का बोलते हैं कसाभिका या कसाभिक, ओके कसाभिक या कसाभिका कहते हैं, ओके बात एक एक सुनना। तो कहता है कि इसमें चल वाले और अचल दोनों होते हैं, जो नहीं चलता मतलब जिसमें फ्लैजेला नहीं होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब नहीं चल सकता है, नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अचल होता है रे बेटा, क्या होते हैं, अचल, ओके चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे बताया जीव में लैंगिकता, कह रहा उभय लिंगी क्या है, ये शब्द आता है ना, कहता उभय लिंगी क्या है, जल्दी से बताओ उभय लिंगी, ओके बेटा, उभय लिंगी और एक लिंगा सही, उभय लिंगा सही माने ऐसे पौधे, बेटा ध्यान से सुनना, ऐसे पौधे जिनमें मेल और फीमेल दोनों भाग होते हैं, एनसीईआरटी ने एक चैप्टर बड्डा से बनाया, जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभय लिंगी बोलते हैं। एक लिंगस है, एक लिंगस रही मतलब कि जिसमें या तो नर हो या तो मादा हो, ठीक है। यहां पे ध्यान दोगे तो यहां पे दोनों है, नर भी है और मादा भी है ऐसे पौधे में, तो पौधे में कहता है अगर दोनों भाग एक ही में हो तो उसे उभय लिंगस रही बोलते हैं, अगर एक एक पौधे में एक ही भाग हो, ध्यान से सुनना, एक पौधे में एक ही भाग हो चाहे नर हो चाहे मादा हो तो उसे एक लिंगस रही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक लिंगस रही, ओके बेटा ठीक है ना, चलो आगे बढ़ चलो वीर तुम बढ़े चलो आगे। एक लिंगी द्विलिंगी, एक लिंगी द्विलिंगी किसे कहते हैं बताओ बेटा, एक लिंगी द्विलिंगी तो पता होगा ना, पक्का पता है, ठीक है। एक लिंगी किसे कहते हैं, जैसे मनुष्य मतलब स्त्री और पुरुष, नर और मादा, नर और मादा अलग अलग होते हैं, क्या होते बेटा, अलग अलग, जैसे हम तुम अलग अलग, मम्मा पापा अलग अलग, अलग अलग होते हैं तो उसे कहते हैं एक लिंगाश्रयी, ठीक है ना। द्विलिंगाश्रयी क्या होता है, ऐसे भाग ऐसे शरीर की संरचना ईश्वर ने बना दिया कि दोनों उसमें एक एक तरफ नर होगा और एक जगह मादा होगा, तो इसी एक ही बॉडी में एक ही शरीर में दोनों भाग होगा, जब एक शरीर में दोनों भाग होता है तो उसे द्विलिंगी बोलते हैं। जैसे तुम लोग बताए दो तो मैं जानो, जैसे केचुआ, केचुआ देखो ना बेटा, क्या देखो, केचुआ देखो ना, केचुआ जो होता है क्या होता है, द्विलिंगी होता है, जोंक भी होता है, क्या होता है बेटा, जोंक, जोंक देखो ना इसे रहता जोंक है ना, जोंक ऐसे रहता ना, जोंक भी होता है, क्या होता है, द्विलिंगी होता है, जोंक क्या होता है, द्विलिंगी होता है, ओके बेटा चलो।
अच्छा सोनाली क्या पूछ रहे बेटा, रुको मैं देख लेता तुम्हारा क्वेश्चन हुआ कहाँ गया। सोनाली कुछ पूछ रही है, बंदर के काटने से कौन सी बीमारी होती है ना। ओके, बंदर के काटने रेबीज होता है बेटा, उसमें भी रेबीज होता है। ओके चलो आगे बढ़ो। देखो अनु मौर्य का यू आर गर्ल एंड बॉय किससे पूछ रहे बता दो भैया। चलो आगे बढ़ो वीर, तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो बेटा। दूसरी बात आ जाओ यहां पे, दूसरी बात मैं करता हूं ठीक है। अब यहां पे देखिए एनसीईआरटी में आप लोग जाएंगे तो आपको पेज नंबर 12 पे, किस नंबर पे 12 पेज नंबर पे बहुत सारे डायग्राम दिखाई देंगे, जैसे केचुआ को, केचुआ का डायग्राम दिखाई देगा, उसके लिए बताएगा ये क्या होता है, द्विलिंगी होते हैं, उसमें नर और मादा दोनों भाग एक ही शरीर में होते हैं ठीक है ना, समझ रहे हो ना। फिर उसमें काकरोच बनाया, कू 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 ऐसे देखो, काकरोच कॉकरोच देखे हो ना, कॉकरोच बना दिया, एक कॉकरोच दुई कॉकरोच ऐसे कॉकरोच बना दिया भैया, कॉकरोच को बता दिया कि भैया एक नर होता है एक मादा होता है, समझो नहीं समझो ठीक है ना। उसने कहा एक नर होता है एक मादा होती है ठीक है ना, दोनों अलग अलग होते हैं ठीक है। पेज नंबर 12 में आप जाएंगे और देखेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। फिर उसमें देखिए कारा बनाया, कारा 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 मतलब क्या होता है, कारा मतलब क्या होता है बेटा जल्दी से बताओ, कारा क्या होता है, कारा क्या होता है, कारा नाम सुनो ना, चारा ने लिख दो। देखो यहां पे एक चारा, चारा नहीं बोलते कारा, सी एच ए आर ए, अब बहुत सारे बच्चे इसको चारे पढ़ेंगे मुझे पता, लेकिन ही लिखा होता है कारा, क्या लिखा होता है कारा। तो कारा जो होता है सहवाल होता है, क्या कौन सवाल होता है, सहवाल होता है, कौन सवाल सहवाल, कौन सवाल सहवाल, सुनो क्या होता है सहवाल होता है बेटा ठीक है। कारा क्या होता है सहवाल होता है, उसमें एक भाग जो है नर भाग होता है और दूसरा जो भाग होता है वो मादा भाग होता है, अर्थात ये क्या होता है उभयलिंगी श्रेय होता है। ये पौधे क्यों बेटा पौधे हैं, कारा क्या है सर, अरे सोनी में बता दिया बेटा, कारा एक सहवाल है, काई लिख लो भैया तुम लोग ना महान सही, काई यानी सहवाल। ओके चलो ठीक है, पूछना चाहिए बेटा, पूछना जरूरी होती है। गुड इवनिंग सर सोनाली, अब देख लो सोनाली कहां गई, अभी तो पूरा क्वेश्चन पूछ रही तब फिर लिख दी गुड इवनिंग सर, मतलब बीच बीच में एक्साइटेड हो जाती है, गुड इवनिंग सर लिख दी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ओके कोई डाउट हो तो बता दीजिए। और वहां पे एक डायग्राम और, अगर सारे डायग्राम को मैं डिस्कस कर देता हूं ओके बेटा। चलो वहां पे एक और चित्र है मैं बना देता हूं, जिसका नाम प्यारा सा ब्रायोफाइटा का है ठीक है, क्या है ब्रायोफाइटा का मार्केंसिया, क्या है ब्रायोफाइटा का मोरकोन्सिया, मोरकोन्सिया पे आ जाओ बेटू, मोरकोन्सिया मोरकोन्सिया का चित्र ऐसे दिखाई देगा, पत्ती सदृश संरचना, पत्ती सदृश संरचना ओके याद। और उसमें रूट, रूट लाइक स्ट्रक्चर, जड़ की तरह संरचना होगी ऐसे दिख रहा है ना, पत्ती सदृश ये है, ये क्या है ये ब्रायोफाइट है। और ब्रायोफाइट कह रहा है कि एक लिंगाश्रयी होते हैं, चित्र देखना पेज नंबर 12 में जाकर के, एक लिंगाश्रयी होते हैं ठीक है। उसमें कैसे बताया कि भैया रे ओ भैया, उसमें जो है एक संरचना ऐसे बनी है ठीक है, और एक अलग पौधे में एक संरचना ऐसे बनी है, समझ रहे ना, ऐसे ऐसे दो संरचनाएं बनी है ठीक है ना, एक के स्त्रीधार ठीक है ना,
स्त्रीधारी धार, यहां स्त्रीधारी धार है, स्त्री धानी धर, ये हो जाएगा पुंग धानी, पुंग धानी धर, ठीक है ना। तो इसमें ये भी एक लिंगस रही है। पेज नंबर 12 में चले जाओ अब पूरा देख लो। ओके ओके बेटा, अच्छा सोनाली कह रहे बारिश आ गई, ओ काहे की भाई चलो काहे की बारिश आ गई बेटा, यहां तो बारिश नहीं, यहां तो धूप ऊप निकली है। हाँ अच्छा आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं फिर देखिए। ओके ओके यहां पे आगे चलूं। अब देखो इसमें पूरी बात डिटेल्स हम लोग गैमिट बनाना सीख गए कि निषेचन से पूर्व गैमिट बनता है, क्या बनता है, गैमिट बनता है, ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद जैसे ही गैमिट बन जाता है, गैमिट का स्थानांतरण होता है, मतलब कि स्थानांतरण का मतलब ये बेटा कि जो नर युग्मक है वो मादा तक पहुंचे कैसे, समझिए मादा तक वो गैमिट पहुंचे कैसे, तो कहता है उसका स्थानांतरण होता है। अगर जलीय पौधा है तो जल के द्वारा जाता है, जलीय पौधा है तो जल के द्वारा स्थानांतरण करता है। तो यहां पे एक एक पॉइंट समझिएगा, मैं कह दूं कि गैमिट का, गैमिट मतलब युग्मक का, युग्मक का स्थानांतरण। आप देखो बेटा गैमिट कैसे स्थानांतरित होगा, तो मैं कह दूं ये मेल नर, नर युग्मक है, ठीक है। अब ये जाएगा, अगर जलीय पौधा है तो जल के द्वारा जाएगा, ठीक है, जलीय पौधा है तो जल के द्वारा स्त्री तक चला जाएगा, यानी स्त्री गैमिट तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना, मादा युग्मक तक पहुंच जाएगा। यदि यदि ये एयर में है, ठीक है, जलीय पौधा नहीं है स्थल में है तो हवा के द्वारा जाएगा, बिल्कुल सही, एयर के द्वारा, ठीक है। यदि एयर भी नहीं चल रही है तो कीटों के द्वारा भी ये जाएगा, मतलब कि किसी ना किसी तरीके से नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच जाएगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से स्थानांतरित हो जाता है, वहां तक पहुंच जाता है। और ऐसे पौधे में अलग अलग ढंग अपनाए जाते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग बेटा ढंग अपनाए जाते हैं। अलग अलग ढंग का मतलब ये कि गैमिट को, जो नर गैमिट होगा प्रायः वो या तो मोटाइल होगा, चलने वाला होगा, ठीक है, या तो बहुत हल्के होंगे ताकि एयर से चला जाए, समझ रहे ना, एयर के द्वारा चला जाए। अच्छा सोनाली कुमारी पूछ रही गैमिट क्या होता है, गैमिट बेटा युग्मक मैंने पहले बताया कि जब हमारे शरीर में कोई अर्धसूत्री विभाजन हो और उससे जो हैप्लॉयड नंबर कोशिका बने उसे हम लोग गैमिट कहते हैं। गैमिट सदैव चाहे हैप्लॉयड चाहे डिप्लॉयड प्लांट हो चाहे जंतु हो, उससे गैमिट हमेशा एन टाइप का ही होता है। मैं शुरुआत में आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था, ठीक है, इतनी छोटी छोटी बात, अभी वीडियो को फिर से करके देख लीजिएगा तो आपको पूरा बात समझ में आ जाएगी। चलो ओके चलो, तो गैमिट देखिए, गैमिट क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। मैंने कहा कि कोई फ्लैजिला वाला गैमिट भी हो सकता है, उससे वो चल चल के चला जाएगा, या तो पानी के द्वारा चल जाएगा, या एयर के द्वारा चल जाएगा, या तो कीटों के द्वारा चल जाएगा, और कहां लक्ष्य तक पहुंचेगा, अपने टारगेट तक पहुंचेगा, फीमेल गैमिट तक पहुंच करके फ्यूज हो जाएगा, जब जुड़ेगा, जब जुड़ जाएगा तो उसे निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन बेटा क्या होता है, गैमिटों का फ्यूजन, मेल मेल गैमिट नहीं, मेल और फीमेल गैमिट जब जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दूसरी बात मेरी सुनो, निषेचन जो होता है दो तरीके से होता है, एक आंतरिक होता है एक बाह्य होता है। आंतरिक क्या होता है, बाह्य क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल यानी आंतरिक निषेचन जब नर युग्मक मादा के शरीर के अंदर, मादा के यानी फीमेल के स्त्री के शरीर के अंदर स्त्री के गैमिट से फ्यूज हो, परिभाषा सुनना, परिभाषा, जब नर युग्मक स्त्री के शरीर के अंदर या शरीर उसके भाग के अंदर, ठीक है, किससे फ्यूज हो, किससे फ्यूज हो, मादा युग्मक से जुड़ जाए तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। यदि दोनों गैमिट शरीर से बाहर यानी स्त्री के शरीर से बाहर, स्त्री या मादा के शरीर से बाहर दोनों जुड़ जाए पानी में तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। एक यहां पे और निषेचन की बात है, पैथेनोजेनेसिस क्या होता है, तो कहता है पैथेनोजेनेसिस और पैथेनोकार्पिक होता है, दो चीज। कहता है बिन निषेचन के अगर जब गैमिट ना जुड़े, गैमिट जुड़ता है तो बेबी बनता है या फल बनता है या बीज बनता है पौधों में। कहता है कि अगर गैमिट ना जुड़े तो क्या फल और बच्चे बन सकते हैं, तो कहता हाँ, कुछ ऐसे पेड़ पौधे कुछ जंतु हैं जिनमें नर का कोई काम नहीं होता है, उनके निषेचन नहीं होते हैं, फिर भी क्या होता है, गैमिट का निर्माण, सॉरी, फल का निर्माण और शिशु का निर्माण हो जाता है। तो कहता कैसे, कैसे होगा, तो कहता है कि उसे कंडीशन को पैथेनोजेनेसिस अनिषेक जनन इंग्लिश में बोलते हैं, और पौधों में यदि होता है पैथेनोकार्पिक अनिषेक फलन बोलते हैं। कल आता हूं तो इस सारी बात को चर्चा करता हूं और कल इस चैप्टर को समाप्त करता हूं, ठीक है, सभी को समझ में आया बेटा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो पुरानी वीडियो देख लेना, अपलोड है पुराने वीडियो मतलब इससे पहले लेक्चर की, और तब इसको देखना और शुरुआत से एक बार दो बार फिर से सुन देखना और एनसीईआरटी बुक अपने सामने रख लेना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, बाय बाय, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा।